If you want to score 90 above, simply open any browser you have, search businessvidya.co.in. जैसे ही हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ ब्लॉग सेक्शन में जाकर आप अपनी क्लास सिलेक्ट कीजिए, जिस भी क्लास में आप हैं। फिर यहाँ आप देखेंगे कि हमने सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस साथ ही साथ नोट्स भी यहाँ पे डाल के रखे हैं। कोडल सेक्शन में जाकर आप हमारी कोई भी सब्जेक्ट की फ्री एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारी कोई भी प्रीमियम या प्रीमियम प्लस ईबुक आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लाइव सपोर्ट का ऑप्शन रखा है, यहाँ से आप हमसे कोई भी डाउट पूछ के हमसे लाइव चैट कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल। आज हम कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो कंजम्पशन फंक्शन को समझने के लिए आपको डिस्पोजेबल इनकम समझने की बहुत ज़रूरत है कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। तो गाइस, डिस्पोजेबल इनकम को हम वाई और छोटा सा डी करके शो करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक, तो गाइस डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? गाइस डिस्पोजेबल इनकम एक ऐसा पैसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ पीपल के पास होता है और वो पैसे का पीपल जो चाहे वो कर सकते हैं, उसे हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपकी 1 लाख रुपीज सैलरी है, तो गाइस इस पैसे में गवर्नमेंट आपसे कुछ टैक्स का लेगी, कुछ प्रॉपर्टी टैक्स लेगी, तो इस पैसे में से कुछ पैसा कम हो जाएगा। मान लो कि आपका 80,000 अब पैसा बचा, तो गाइस दिस 80,000 विल बी कंसिडर्ड एज योर डिस्पोजेबल इनकम। मतलब ये एक ऐसा पैसा है जिसका आपको जो करना है आप कर सकते हो। आपको इससे अपनी वाइफ के लिए कुछ खरीदना है ज्वेलरी टाइप का, तो वो कर सकते हो, कार खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, डिपॉजिट करना है, इन्वेस्ट करना है, जो चाहे आप वो कर सकती हो। तो डिस्पोजेबल इनकम होपफुली आप समझ गए होंगे, ऐसा पैसा जिसका एक पर्सन जो चाहे वो कर सकता है। एग्री? तो गाइस आपका कंज्यूमर फंक्शन कहता है, कंजम्पशन फंक्शन सॉरी, कहता है कि जो भी डिस्पोजेबल इनकम में आपका चेंज आएगा तो आपके कंजम्पशन फंक्शन में भी चेंज होगा। मतलब अगर आपके डिस्पोजेबल इनकम में कुछ चेंज होगा तो आपके कंजम्पशन में भी चेंज होगा। इसका मतलब यह है, ये कंजम्पशन फंक्शन ये कह रहा है कि अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो गाइस आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। कंजम्पशन कह लो या फिर एक्सपेंडिचर कह लो, मतलब खर्चे। तो गाइस कॉमन सी बात है, देखो मान लो कि आपके पास अभी 10,000 रुपये है, तो आप उस 10,000 के हिसाब से खर्चा करोगे। अब मान लो आपका 20,000 आपका पैसा आपको मैंने दिया, तो आप 20,000 के हिसाब से खर्चा करोगे। मान लो कि मैंने आपको 50,000 दिया, तो आप 50,000 के हिसाब से खर्चा करोगे, मतलब बढ़ाते जाओगे। फिर 1 लाख इंक्रीज कर दिया आपकी इनकम को मैंने, तो आप 1 इसके हिसाब से आप और खर्चे को बढ़ा दोगे। तो मतलब आप जैसा जैसा आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ते जाएगी, आपका कंजम्पशन भी बढ़ते जाएगा, और जब जब आपका डिस्पोजेबल इनकम कम होते जाएगा आप कंजम्पशन भी कम करोगे, है ना। सो इसे कहते हैं हम कंजम्पशन फंक्शन। ठीक, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। मतलब डिस्पोजेबल इनकम में अगर चेंज आएगा तो आपके कंजम्पशन में भी चेंज आएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, द लेवल ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। आपका जो कंजम्पशन है वो आपके लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, जब डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो रहा है तो आपका कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, जब आपका डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज हो रहा है तो आपका कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है। तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पशन। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी मुझे आपको बतानी थी कंजम्पशन फंक्शन में। होपफुली कंजम्पशन फंक्शन क्या है आप समझ गए होंगे। कंजम्पशन फंक्शन कुछ नहीं होता है, ये बस सिंपल सा आपको ये बोलता है कि जब जब आपके डिस्पोजेबल इनकम में चेंज आएगा तब तक आपके कंजम्पशन में भी चेंज होगा। ठीक, तो गाइस अब हम बढ़ते हैं फटाक्सेस के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, कि किस तरीके से हम इसे ग्राफिकल में शो करते हैं। तो गाइस ग्राफिकल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कंजम्पशन फंक्शन का एक इक्वेशन। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन को हम बड़े सी से शो करते हैं, जैसे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे एकदम बहुत बिग सी का यूज़ किया है यहाँ पे। फिर इक्वल टू, आपको पता है ये सी के ऊपर बार हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, इसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहाँ पे आप देख सकते हो सी मतलब होता है कंजम्पशन फंक्शन, सी बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब गाइस यहाँ पे प्लस बी, गाइस बी का मतलब होता है एमपीसी। एमपीसी क्या है ये हम अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक, लेकिन एमपीसी का मतलब जान लो कि बी का मतलब होता है एमपीसी। और गाइस यहाँ पे वाई का मतलब होता है लेवल ऑफ इनकम। और एक चीज़ आपको यहाँ पे रखनी है कि एमपीसी की वैल्यू जो होगी, ठीक है, एमपीसी की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगी। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। और वाई का मतलब होता है लेवल ऑफ इनकम। तो अगर आपको कंजम्पशन फंक्शन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस करना पड़ेगा, उसमें आपको एमपीसी और लेवल ऑफ इनकम को इंटू करके उसे भी प्लस करना पड़ेगा। मतलब इसे आप प्लस कर दोगे तो आपका कंजम्पशन फंक्शन निकल जाएगा। ठीक है, तो गाइस अब हम इसे डायग्राम के हेल्प से शो करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स में इनकम है, वाई में कंजम्पशन है। अब यहाँ पे इस कंजम्पशन फंक्शन को हमें इस तरीके से लिया है एकदम स्ट्रेट। ठीक है, तो गाइस ये सी को हम इक्वल टू, यही सेम चीज यहाँ पे लिखा है, सी इक्वल टू
ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इनटू लेवल ऑफ इनकम, जो इक्वेशन यहाँ लिखी है वो यहाँ पे लिखी है। मतलब ये लाइन क्या डिनोट करती है, ये लाइन कंजम्पशन फंक्शन डिनोट कर रही है। अगर इसे जो स्लोप है, ये जो यहाँ पे आप स्लोप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक स्लोप बनाया है ये वाला, जो इस लाइन से ऐसा है टच करके, तो इस स्लोप को हम कहते हैं एमपीसी। ठीक, और आपको ये याद रखना है कि बी का मतलब होता है एमपीसी, मतलब एमपीसी को हम बी के हेल्प से डिनोट करते हैं। अब गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो ये, ठीक है, तो गाइस ये आप देख रहे हो, तो गाइस ये क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। मतलब ये चीज ये बता रही है कि अगर आपकी इनकम भी जीरो है लेकिन आपका कंजम्पशन हमेशा जीरो से ज्यादा होगा, क्योंकि हमने पढ़ के रखा है इसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। ठीक, पिछली क्लास आप नहीं देखे होंगे तो जरूर से वहां पे देख लेना। तो हमने वहां पे आपको बताया था अगर इनकम भी जीरो है लेकिन आपका कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होगा, वो हमेशा जीरो से ज्यादा ही होगा, इसलिए यहाँ पे जो गैप है, इसलिए हमने जो कंजम्पशन है ये जीरो से नहीं बनाया, जीरो के ऊपर से बनाया। ठीक है, तो इतने डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और ये चीज हमने यहाँ पे लिखी है, पॉइंट ऑफ शोज दैट इवन इफ इनकम इज जीरो, आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उससे ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो गाइस ये था। अब हम गाइस बताए कंजम्पशन फंक्शन के दो टाइप्स के बारे में। कंजम्पशन फंक्शन दो टाइप का होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम शॉर्ट में एपीसी कहते हैं, मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम शॉर्ट में एमपीसी कहते हैं। अब गाइस यहाँ पे आपको हमने अभी बताया कि एमपीसी को हमने बी बोलते हैं, तो वही चीज हमने लिखा है बी को, बी से हम डिनोट करते हैं एमपीसी को। ठीक है, तो गाइस देखिए एपीसी क्या होता है, देखिए एपीसी क्या होता है, एपीसी होता है कंजम्पशन अपॉन इनकम। आपकी इनकम जो भी हो, मतलब आपकी इनकम में, मतलब एपीसी इज अ रेशियो ऑफ कंजम्पशन और इनकम। मतलब मान लीजिए आपका कंजम्पशन है 4 और आपका इनकम है 2, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मतलब योर एपीसी इज 2, मतलब आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है कि कंजम्पशन अपॉन इनकम। ठीक है, तो वही चीज हमने लिखा है रेशियो ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन टू एग्रीगेट इनकम, मतलब आपकी जो एग्रीगेट कंजम्पशन है उसमें से डिवाइड करता हूँ अपनी एग्रीगेट इनकम को, तो आपका एपीसी निकल जाएगा। ठीक, वैसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मुला होता है कि चेंज इन कंजम्पशन, ये जो गाइस ये देख रहे हो इसका मतलब होता है डेल्टा, मतलब चेंज, कुछ भी चेंज आना, तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, उसे हम कहते हैं एमपीसी। वही चीज हमने लिखा है रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम या फिर नेशनल इनकम इज कॉल्ड एज एमपीसी। तो होपफुली आप समझ गए होंगे, मतलब मान लो कि इनकम हो गया 6, ठीक, और आपका जो कंजम्पशन, मतलब चेंज इन कंजम्पशन है ये हो गया 4, तो कितना आएगा 3/2, तो इसको आप मतलब 2/3 इज योर एमपीसी। मतलब आपकी इनकम के चेंज होने से आपके कंजम्पशन में क्या चेंज आता है, उसे हम एमपीसी कहते हैं। तो गाइस देखिए एपीसी का हम डायग्राम इस तरीके से बनाते हैं, ये एग्जाम्स में हाल फिलहाल में आ गया था, एक बार 2017 में आ गया था, तो इसलिए मैं एक बार सोच रहा हूँ आपको ये बता दूँ, जैसे वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एपीसी का डायग्राम इस तरीके से बनता है, यहाँ पे एक्स मतलब यहाँ पे इनकम, ठीक, वाई हम सी से आपको पता है कंजम्पशन, और वाई को हमने यहाँ पे इनकम लिया है। जो हमने अभी यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन का जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, सेम यहाँ से आर से लेकर सी, सेम चीज यहाँ पे आर से लेकर सी का डायग्राम बनाया है, लेकिन ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो बी से एन, इसको हम सी कहते हैं, और बी से एम ये वाई। ठीक, तो मतलब अगर यहाँ पे आप देखोगे कि एपीसी एट पॉइंट बी, अगर मैं आपको बोलूं कि पॉइंट बी में हमारा एपीसी कैसे निकलेगा, तो आपको पता है सी अपॉन वाई, तो देखो सी क्या है, बी एन है, तो हमने यहाँ पे बी एन लिखा, और आपको पता है वाई हमारा क्या है, बी एम है, तो यहाँ पे अपॉन बी एम लिखा, क्योंकि हमें पता है एपीसी होता है इक्वल टू सी बाय वाई, एक तरीके से फीचर होता है। और एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जो ओ आर अपॉन जीरो हमेशा इन्फिनिटी होगा, मतलब गाइस ये पॉइंट आर में, ये पॉइंट आर में हमेशा से इन्फिनिटी होगा, मतलब ये जो है ये कभी जीरो नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे ये है एपीसी डिक्लाइंस कंटिन्यूसली एज इनकम राइजेस। हाँ गाइस एक चीज आपको बहुत नोटिस करना है, आप जब भी न्यूमेरिकल समस्या सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आप एक चीज देखना कि जब जब आपकी इनकम बढ़ेगी ना तो आपका हमेशा एपीसी कम आएगा। ठीक, मतलब अगर आपकी इनकम 10 हो जाएगी तो आपका एपीसी हमेशा 10 से कम रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे ये है। अब गाइस ये तो हो गया फीचर ऑफ एपीसी। अब गाइस हम एमपीसी का डायग्राम देखते हैं, एमपीसी का डायग्राम इस तरीके से, सेम चीज आर से ऐसा खींचा है, यहाँ पे देख सकते हैं हमने ऐसा कुछ डायग्राम, वाई में इनकम, मतलब एक्स में इनकम, वाई में कंजम्पशन। ठीक, यहाँ पे ये y है, फिर चेंज इन y1, फिर c यहाँ पे है, फिर नया c कंजम्पशन का यहाँ पे है, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेंडिचर। तो गाइस यहाँ पे ई एफ को हमने डेल्टा c लिया है, डी एफ को हमने डेल्टा y लिया है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि एमपीसी का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं डेल्टा c अपॉन डेल्टा y, तो डेल्टा c क्या है हमारे पास ई एफ है, तो हमने वहाँ पे ई एफ लिखा, और डेल्टा y क्या है हमारे डी एफ है, तो हमने यहाँ पे डी एफ लिखा। ठीक, अब एमपीसी रिमेन सेम और कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, आपका गाइस एमपीसी जो है ये हमेशा से ही सेम आते जाएगा, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आप समझते जाएंगे। ठीक, एमपीसी लाइज, अब गाइस हमेशा आपको याद रखना है, जैसे हमने यहाँ भी आपको बताया था कि आपका एमपीसी जो होगा ये हमेशा आपके जीरो और वन के बीच में वैल्यू आएगी। ठीक है, हमेशा जीरो और वन के ही बीच में उसकी वैल्यू आएगी, मतलब 0.53, 0.
64 इस तरीके से वैल्यू आएगी एमपीसी की। अब गाइस एपीसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एमपीसी, मतलब गाइस अगर आपकी एमपीसी की वैल्यू 1 है तो गाइस एपीसी की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी, मतलब 1.1 आ सकती है, 1.2 आ सकती है, 1.3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 7 आ सकती है, 8 आ सकती है, 9 आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपकी एमपीसी की वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी एपीसी से, ठीक है। तो ये था फीचर, ये एपीसी का फीचर, ये एमपीसी का फीचर। अब गाइस हम आते हैं सेविंग फंक्शन के ऊपर। अब गाइस आपको एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखनी है कि हमने कंजम्पशन फंक्शन में दो फॉर्मूले पढ़े, एक तो ये फंक्शन वाला चीज़ हमने यहाँ पे लिखा फिफ्थ पॉइंट में, सिक्स्थ इसमें हमने लिखा एपीसी इक्वल्स टू सी बाय वाई, एमपीसी इक्वल्स टू डेल्टा चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, हमने यहाँ पे लिखते गए, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लिस्ट बनाते जाएंगे, वैसे हम अभी सेविंग फंक्शन भी पढ़ते हैं और इसका भी हम फॉर्मूला लिख देंगे वहाँ पे, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। तो गाइस देखिए सेविंग फंक्शन क्या होता है। तो गाइस सेविंग फंक्शन सिंपल सा इसका मतलब यह है कि जब जब आपकी इनकम में चेंज आएगा तो आपकी सेविंग में भी चेंज आएगा, उसे हम सेविंग फंक्शन कहते हैं। देखिए गाइस बहुत सिली सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मान लो कि आपकी इनकम 5000, मान लो 8000 है, तो मान लो कि उसमें से आप 2000 रुपीज सेव करोगे, ठीक मान के चलो। अब गाइस मान लो कि अगर आपकी सैलरी हो गई डायरेक्ट 50000, तो क्या तब भी आप 2000 रुपीज ही सेव करोगे? ऑब्वियस नहीं, आप क्या करोगे 2000 से ज़्यादा सेव करोगे। तो गाइस यही है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या कहता है, जब जब आपकी इनकम चेंज होगी तो आपका सेविंग में भी चेंज आएगा। अब गाइस यहाँ पे हमारे पास एक कीनीस एक पर्सन है, हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो कीनीस कहता है कि जब जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप सेविंग में बढ़ा दोगे, और जब जब आपकी इनकम कम होगी तो आप सेविंग कम कर दोगे। जैसे गाइस मान लीजिए देखो 8000 जब आपकी इनकम थी, ठीक, व्हेन योर इनकम वाज 8000 तब आपकी सेविंग कितनी थी 2000 थी। अब गाइस आपकी इनकम क्या हो गई यार, तो आपकी इनकम बढ़ गई तो आप क्या करोगे, आप अपनी सेविंग भी क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, 2000 तो रखोगे नहीं। तो ये कीनीस कहता है कि जब जब आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी सेविंग भी बढ़ेगी, जब जब आपकी इनकम घटेगी तो आपकी सेविंग भी घटेगी। तो देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग, ऐसा कीनीस कहता है, ठीक। तो सेम चीज हमने यहाँ पे लिखा है सेविंग फंक्शन, और सेविंग फंक्शन को हम प्रोपेंसिटीज टू सेव भी कहते हैं, शोज दैट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। सेविंग फंक्शन क्या, ये इनकम और सेविंग के बीच में क्या कहता है, रिलेशनशिप बताता है। आपको पता है वाई से हम इनकम को डिनोट करते हैं, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, ठीक। तो होपफुली आप सेविंग फंक्शन का मतलब समझ गए होंगे। सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड, हमने आपको बताया सेविंग एक ऐसी पार्ट ऑफ इनकम है जो आप कंज्यूम नहीं करते, मतलब उसका यूज नहीं करते। मान लीजिए ये पैसा है, तो ये आपका पैसा आपकी सैलरी है, ठीक, तो इसमें से कुछ पैसा ऐसा होगा जो आप सेव करके रखोगे, जिसका आप यूज नहीं करोगे, इसको बचा के रखोगे फ्यूचर के लिए। तो गाइस यही यहाँ पे लिखा गया है कि सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम। सेविंग क्या है, ये आपकी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा है जो आप कंज्यूम नहीं करते, मतलब उसका आप यूज नहीं करते, इसको आप बचा के रखते हो फ्यूचर के यूज के लिए। तो यही है सेविंग इक्वल्स टू वाई माइनस सी, हमने पहले भी आपके साथ सेविंग का फॉर्मूला डिस्कस किया था, ठीक। अब गाइस हम आपको बता देते हैं कि सेविंग फंक्शन दो टाइप का होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीएस इक्वल्स टू सेविंग अपॉन इनकम, मतलब जब भी एपीएस क्या होता है, मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को हम शॉर्ट में एपीएस कहते हैं। तो एपीएस का फॉर्मूला क्या है, एस बाय वाई, मतलब सेविंग अपॉन इनकम आपका एपीएस निकल जाएगा। तो वही चीज लिखा है रेशियो ऑफ एग्रीगेट सेविंग, मतलब पूरी सेविंग का सम अपॉन इनकम का सम आप कर दोगे तो आपका एपीएस निकल जाएगा, ठीक। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, गाइस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का बहुत इजी फॉर्मूला है, एमपीएस किस तरीके से निकलता है, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। वही चीज हमने लिखा है रेशियो ऑफ चेंज इन एग्रीगेट सेविंग टू चेंज इन इनकम, इसे हम कहते हैं एमपीएस, मतलब आपकी इनकम में जब जब चेंज आएगा आपकी सेविंग में भी चेंज होगा। मतलब मान लीजिए कि आपकी इनकम 2 हुई और मान लीजिए आपकी सेविंग 6 हो गई, तो दोनों में कितना चेंज आया, 3 का चेंज आया, तो ये एमपीएस होता है, ठीक। तो रेशियो ऑफ चेंज इन एग्रीगेट सेविंग, मतलब सेविंग के चेंज होने से आपकी इनकम में, मतलब इनकम या कह लो नेशनल इनकम में क्या चेंज आता है, उसे हम एमपीएस कहते हैं, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब गाइस एक चीज आपको ये करना है कि एमपीएस को हम 1 माइनस बी की हेल्प से शो करते हैं, ठीक। तो एमपीएस को हम कैसे शो करते हैं, 1 माइनस बी की हेल्प से शो करते हैं। तो गाइस हमने वही फॉर्मूला यहाँ भी लिख दिया है, ठीक है, दोनों को। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन भी देखते हैं। तो हमने आपको बताया था कि सेविंग होता है वाई माइनस सी, इनकम में से जब आप कंजम्पशन को माइनस कर दोगे तो आपका सेविंग आ जाएगा, ठीक है। ये हमने आपको सबसे पहली क्लास में बताई थी और आज भी आपको यहाँ पे हमने बताया है, ठीक। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ बड़ी नोटिस कीजिएगा, हमने एस लिखा, सेम वाई का वाई लिखा, माइनस आपको पता है गाइस जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इट इज इक्वल टू सी प्लस बी वाई। तो देखो इस सी की जगह हमने ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी
इंटू वाई लिखा है, एग्री। अब गाइस इसको आप सॉल्व करोगे तो एस इक्वल्स टू वाई माइनस सी, और यहाँ पे क्योंकि जब ब्रैकेट खुल जाएगा तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या करना, क्या है एस लिखा इक्वल टू, अब गाइस यहाँ पे आपको सी दिख रहा है तो हमने यहाँ पे ये जो सी है इस माइनस सी को हमने यहाँ पे सी बार को हमने यहाँ पे लिख लिया, जैसा यहाँ पे आप देख सकते हो, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये वाई और ये यहाँ पे आप देख सकते हो वाई वाई कॉमन है तो यहाँ पे वाई कॉमन निकाल दिया, प्लस फिर आप देखोगे हमने जब सॉल्व किया तो यहाँ पे वन माइनस बी आ गया। ठीक, मैथ्स वाले होंगे तो इजली सॉल्व कर पाओगे। अब गाइस आपको पता है हमने पिछली अब भी बताया था आपको कि वन माइनस बी को हम क्या कहते हैं, वन माइनस बी को हम एम पी एस कहते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे हमने एस लिखा माइनस सी सी बार यहाँ पे लिखा, प्लस वन माइनस बी के जगह हमने एम पी एस लिखा, वाई का वहाँ यहाँ पे सेम लिख दिया। तो गाइस ये हमारा बन गया क्या एक दूसरा आप कह सकते हैं फंक्शन, मतलब दिस इज अ फंक्शन ऑफ सेविंग फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप सभी के साथ और एक बार लिख देता हूँ पेन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया सेविंग इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस एम पी एस वाई। ठीक, अब यहाँ पे सेविंग आपको पता है एस का मतलब है सेविंग, सी बार का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन, और वाई का मतलब आप सभी जानते हैं इनकम, और यहाँ एम पी एस का तो वन बाय बी आपको जानते ही है। अब गाइस यहाँ पे हमने आपको बताया कि एम पी एस होता है वन माइनस बी के बराबर, एग्री। एम पी एस होता है वन माइनस बी, मतलब वन माइनस बी को ही हम एम पी एस कहते हैं। तो यहाँ पे गाइस एक चीज़ बड़े ध्यान से नोटिस कीजिएगा कि अब यहाँ एम पी एस का, ये एम पी एस का हमने एम पी एस यहाँ पे लिखा, इक्वल टू का इक्वल टू लिखा, वन का वन लिखा, माइनस का माइनस लिखा। अब गाइस आपको पता है कि बी को हम क्या कहते हैं, एम पी सी कहते हैं। ठीक है, हमने अभी आपको यहाँ पे बताया है कहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन वाले टॉपिक में हमने आपको बताया है कि दैट बी इज नोन एज एम पी सी। ठीक है, तो यहाँ इस बी की जगह मैंने इस एम पी सी को पुट कर दिया, तो यहाँ पे देखो आप ये एम पी एस इक्वल्स टू वन माइनस एम पी सी हो गया, तो गाइस इस एम पी सी को मैं इक्वल टू के इधर लाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, आप देख सकते हैं एम पी एस प्लस एम पी सी हो जाएगा इक्वल टू वन। तो गाइस ये हमारी और एक इक्वेशन बन जाती है कि एम पी एस प्लस एम पी सी जो होता है ये वन के बराबर है। फिलहाल फिलहाल हम इसे लेटर अच्छे से डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। अब गाइस फटाक से हम इसका डायग्राम भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसका डायग्राम कुछ नहीं है, यहाँ पे वाई में इनकम लिखा, मतलब सॉरी एक्स में इनकम लिखा, वाई में सेविंग लिखा, आपको क्या खींचना है, एक ऐसी लाइन खींच देना है। तो गाइस जो भी ये जीरो, ठीक, जो भी इस पॉइंट के नीचे, मतलब यहाँ पे जो लाइन है ये सेविंग माइनस है, इसे हम कभी कभी डिस सेविंग भी कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेविंग को हम डिस सेविंग भी कहते हैं। गाइस मेरा मतलब है ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये इस लाइन को हम सेविंग फंक्शन कहते हैं। जो फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब है ये जो लाइन है ये सेविंग फंक्शन की लाइन है। तो गाइस इस लाइन में सेविंग माइनस है, इसे हम डिस सेविंग भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी आपका एक्स एक्सेस की जो लाइन है और जो आपका सेविंग फंक्शन की लाइन आपस में मीट करेगी एक पॉइंट में, उस पॉइंट में आपका सेविंग जीरो होगा। और गाइस जब भी एक्स एक्सेस के ऊपर होगी आपकी सेविंग फंक्शन की लाइन, तो वो क्या होगा, हमारा सेविंग पॉजिटिव होगा। अब गाइस यहाँ पे सेविंग फंक्शन में जब भी स्लोप इस तरीके का स्लोप रहता है, इसे हम सेविंग वन माइनस बी भी कहते हैं। तो गाइस देखिए आपका सेविंग नेगेटिव कब होगा, सेविंग आपका जीरो कब होगा, और सेविंग आपका पॉजिटिव कब होगा, ये हम देखते हैं। देखो गाइस जब भी आपका कंजम्पशन ज़्यादा होगा आपकी इनकम से, तब आपका सेविंग नेगेटिव होगा। मान लो गाइस आपके पास पाँच रुपये है लेकिन आपने दस रुपये का खर्चा कर दिया, तो आपने कुछ भी पैसा बचाया नहीं भाई, क्योंकि आपके पास पाँच ही रुपये था और आपने दस रुपये खर्चा कर दिया, तो सेविंग तो हुआ ही नहीं, इसलिए यहाँ पे सेविंग क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब देखिए सेविंग जीरो कब रहता है, देखिए गाइस पाँच रुपये है आपके पास, आपने पाँच रुपये खर्चा कर दिया, पाँच रुपये है आपके पास आपने पाँच रुपये खर्चा कर दिया, तो सेविंग तो हुआ ही नहीं, तो सेविंग क्या हो गया, हमारा जीरो हो गया। ठीक है, अब गाइस आपका मान लीजिए फाइव रुपीज़ इनकम है लेकिन आपने सिर्फ खर्चा किया टू रुपीज़, तो आपका थ्री रुपीज़ तो बच गया, तो इसलिए यहाँ पे सेविंग पॉजिटिव है। तो सेविंग पॉजिटिव तभी होगा जब आपका कंजम्पशन छोटा होगा और आपका इनकम बड़ा होगा। ठीक, तो गाइस कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि एम पी एस नेगेटिव हो सकता है, तो आंसर इस एम पी सी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये कभी से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक होता है खत्म होता है। हम अगले लेक्चर्स में एक नए टॉपिक से मिलेंगे। हम आपसे हमेशा कहते हैं ऊपर ई बुक में क्लिक करके आप हमारी, मतलब ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप हमारी ई बुक को ले सकते हैं, जहाँ पे आपको हम नोट्स, क्वेश्चन आंसर, हर वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे। एक क्लिक करके आप सीख सकते हैं हमारी वेबसाइट से किस तरीके से खरीदना है। नीचे व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ भी आप हमसे कॉन्टैक्ट करके डिमांड कर सकते हैं। ठीक, कमेंट में पिन किया गया और वीडियो के बीच में भी पॉपआउट किया गया है। तो गाइस इसी के साथ मैं चलता हूँ, थैंक यू, बाय।